खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। तीन दिवसीय निःशुल्क यूरोथेरेपी चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया गया आज नवंबर जीवन आरोग्य संस्था द्वारा डॉक्टर लाजपत राय मेहराजी की 90वीं वर्षगांठ वर्ष के उपलक्ष्य में श्रीनगर कॉलोनी गुरुबाग वाराणसी में तीन दिवसीय निःशुल्क यूरोथेरेपी चिकित्सा शिविर का उद्घाटन माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र द्वारा किया गया। इस अवसर पर नवजीवन आरोग्य संस्था के संस्थापक श्री मनीलाल जी विश्वकर्मा मुंबई से पधारे। सीनियर थेरेपिस्ट श्री दीदार सिंह नागी, कलकत्ता से पधारे श्री सुकुमार साहू, दिल्ली से पधारे श्री विष्णु बघेल, मुंबई से पधारे श्री धनपाल सिंह जिंदानी, श्रीमती सुशीला जिंदानी एवं कई गणमान्य अतिथि और विभिन्न रोगों का इलाज कराने वाले रोगी और उनके सहयोगी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि और श्री दीदार सिंह नेगी और श्री मनीलाल विश्वकर्मा ने न्यूरोथेरेपी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। सीनियर थेरेपिस्ट श्री दीदार सिंह जी ने बताया कि हम रोगी नहीं रोग का इलाज करते हैं, जो बिना चीरफाड़ के संभव है। सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। इस शिविर में तीन दिन तक लगातार विभिन्न रोगों के निदान के लिए निशुल्क सेवाएं दी जा रही है, जिसका वाराणसी और आसपास के लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। वाराणसी से पी के शर्मा की रिपोर्ट। अपना परिचय बता दीजिए। मैं मणिलाल विश्वकर्मा, न्यूरोथेरेपी के क्षेत्र में वाराणसी में 1994 से न्यूरोथेरेपी का कार्य कर रहे हैं और ये जो तीन दिवसीय न्यूरोथेरेपी कार्यक्रम चल रहा है 16, 17 और 18 दिसंबर को समापन है दिन में 2 बजे। और इसमें विभिन्न प्रकार के जो मरीज हैं, चाहे ऑटिज्म बच्चा हो या कोई भी कमर दर्द, घुटना दर्द और गर्दन से भी जो परेशानी है, हाथ में दर्द, जोड़ों में दर्द, गठिया है, पेट संबंधित कोई भी बीमारी हो, सबका हम लोग सफलतापूर्वक बिना दवा के ये कार्यक्रम चल रहा है। और इसमें किसी भी प्रकार की मरीज को कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है, बिना मेडिसिन के ही रोगों का इलाज किया जाता है। जी, कोई घुटने या कमर दर्द से परेशान है गंभीर रूप से, तो उसको कितना दिन तक इलाज करना पड़ता है? जैसी बीमारी होती है उसी हिसाब से इलाज किया जाता है। कोई जरूरी नहीं है, किसी में कम समय लगता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन इलाज सबका पूर्ण रूप से क्योर हो जाता है। जी, न्यूरोपैथी की बात की जाए तो अभी इसके बारे में उतना लोगों को जानकारी नहीं है। अभी न्यूरोथेरेपी के बारे में उतनी लोगों की जागरूकता नहीं है, लेकिन जो जानते हैं वो जो एक बार हमसे जुड़ जाते हैं वो फिर बराबर अपने पूरे रिश्तेदार खानदान को भी बुला लेते हैं। और अभी तक हमारे पास कम से कम 12,000 पेशेंट हैं। इसमें जब जो भी मिला है सबको सफलता अच्छी मिली है। और हमारे यहाँ स्पाइन के भी केस आते हैं, हम तो अभी हम अपना हॉस्पिटल बनवाए हैं, उसमें मरीज हम एडमिट भी करते हैं और एडमिट करके मरीज का ट्रीटमेंट भी देते हैं। न्यूरोपैथी चिकित्सा के बारे में लोगों से क्या कहेंगे, किस तरह से उनसे अपील करना चाहेंगे? लोग यहाँ आए न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लें और पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। जो भी बिना जो इसमें किसी भी प्रकार की मेडिसिन है ही नहीं, वो हम लोग बॉडी केमिकल बैलेंस करते हैं, बॉडी केमिकल बैलेंस करके ही रोगों का इलाज करते हैं। अपना नाम बताइए। किसी नाम है। ये किस चीज का थेरेपी कराने के लिए आए हैं और क्या लाभ मिला आपको? हमको लाभ ये है कि हम कमर में और पैर में जान में गड़बड़ होता है और राइट हाथ में ताकत नहीं मिलता है, इसीलिए हम इलाज कराने आए हैं। ये कब से इलाज कराने हैं, पहली बार आए हैं या इसके पहले भी आ चुके हैं? पूर्व विश्वकर्मा के हम इलाज कराते हैं, डॉक्टर विश्वकर्मा के। इनके यहाँ मतलब के लाभ है? हाँ, लाभ है। और लोगों के लिए क्या कहेंगे? और लोगों के लिए कहेंगे कि हमारे विश्वकर्मा डॉक्टर को दिखाइए और इलाज कराइए, ट्रीटमेंट लीजिए